उमरिया जिले से यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई करने पहुंचा चापा निवास साजन प्रजापति की आज उमरिया में वापसी हुई, जहां साजन प्रजापति का हालचाल जानने के लिए शहडोल संसदीय क्षेत्र की सांसद हिमांद्री सिंह भाजपा जिला अध्यक्ष उमरिया दिलीप पांडे ने छात्र के घर जाकर उसका हालचाल पूछा और उनके परिवार को बधाई दी। इस दौरान कोतवाली TI सुदेश सिंह अपनी टीम के साथ युवक के घर पर पहुंचे, जहां छात्र साजन प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कोतवाली पुलिस लगातार मेरे और मेरे परिजनों के संपर्क में थी। वहीं TI सुदेश ने बताया कि उमरिया जिले के 5 छात्रों में से 2 की सकुशल वापसी हो गई है और बाकी 3 छात्र भी 2 से 3 दिनों में सकुशल वापस अपने घर लौट आएंगे। हमारी उमरिया पुलिस की तरफ से भी 3 से 4 ऑफिसर ने मुझे कॉल और मैसेज किया और मैंने भी उनसे बात की और उन्होंने भी मुझे समझाया कि तुम परेशान नहीं होना, तुम आओगे वापस विलेज, और वो मेरी माँ से भी मिले और मेरी माँ को भी जाके समझाया कि आप परेशान नहीं होइए माता जी, वो आएगा, ज़रूर वापस आएगा। और हर एक स्टेप में सर, जब भी मैं अगर कहीं भी निकल रहा हूँ या फिर अगर मैं इवन अपना पर्टिकुलर जगह छोड़ रहा हूँ कि ठीक है मुझे वापस नहीं आना, मैं उस जगह की खबर देता था सर को और सर हर एक सेकंड का मुझे रिप्लाई देते थे, ठीक है तुम यहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, कब जा रहे हो और कहाँ पहुँचोगे, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन थी सर के पास और उनकी गाइडलाइंस थी, तो मैं आज यहाँ पे हूँ सर। थैंक यू, मैं कहूँगा अपनी उमरिया पुलिस को, अपनी MP गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को और सर एम्बेसी, अपनी यूक्रेनियन आर्मी, अपने रोमानियन एम्बेसी और वहाँ के जितने भी NGOs थे उन सबको थैंक यू। स्टूडेंट था अभी, मैं उनसे मिलकर आई और उनके परिवार के सभी लोग उनके वापस घर लौट आने से सभी लोग बड़े, उनके माता पिता भाई बहन सभी लोग बहुत खुश हैं और हमें भी बहुत खुशी है कि वो सकुशल अपने घर परिवार लौट आया है। और हम लोगों ने उससे बात करी और माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, सभी लोगों के सहयोग से वो बालक सकुशल अपने घर आया। और मैं माननीय मोदी जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि वो हमारे प्रदेश के सभी जितने भी रहने वाले यूक्रेन में जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, उनकी लगातार चिंता करते हुए हम उनको कैसे सकुशल अपने देश वापस ले आए, उनके घर वापस ले आए, इसकी लगातार हमारी सरकार चिंता कर रही। उमरिया से राजश्री मिश्रा की ये रिपोर्ट।